नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि 6 मार्च 2024 की है और 376-2 का जो केस था वो एक कंप्लेंट द्वारा फाइल किया गया था और जो कंप्लेनेंट है वो उनको रिस्पोंडेंट नंबर 2 बनाया गया है। और यहाँ पर अपीलेंट है, उन्होंने पहले हाईकोर्ट गए थे कि जो चार्जेस लगाए गए हैं मैरिड वुमेन द्वारा उसको क्वैश कर दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं ग्रांट की थी। फाइनली मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपीलेंट को जो चार्जेस लगाए थे मैरिड वुमेन द्वारा उनको उनसे उनके जो चार्जेस थे उनको क्वैश कर दिया। और यहाँ पर ये पाया कि जो मैरिड वुमेन है वो उनका डाइवोर्स नहीं हुआ था और जो उनके स्टेटमेंट में काफ़ी इनकंसिस्टेंसीज थी, जो कि असमानताएं होती हैं वो पाई गई थी। और उनकी चूंकि एक बेटी भी है उनकी, 15 साल की है और उम्र में भी जो है वो 10 साल जो मीन्स जो अक्यूज से वो बड़ी हैं। और कई यहाँ पर जो ये जो थे लीगल एस्पेक्ट्स थे उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये एक ऑर्डर था, पहले ये हाईकोर्ट में गए थे। हाईकोर्ट में 482 CRPC के अंदर एक पिटीशन डाली गई थी। जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं तो एक जो भी अक्यूज होते हैं उनके पास एक राइट रहता है वो अपने चार्जेस के लिए, अगर लगता है उनको कि ये चार्जेस फेक लगाए गए तो हाईकोर्ट में वो 482 CRPC में पिटीशन याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट में ये रेमेडी अवेल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कोई रिलीफ था वो अपीलेंट अक्यूज को नहीं दिया और जो थी और जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया था। अब यहाँ पर सबमिशंस ये दिए थे जो अपीलेंट के जो वकील हैं, उन्होंने ये सबमिशंस दिए थे कि FIR जो है वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कंप्लेनेंट है उन्होंने दाखिल की थी, और जो कि एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ है और कंप्लेनेंट जो है वो एक मैरिड लेडी है और उनकी खुद की एक डॉटर है 15 साल की जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है। और ये क्लेम किया कि सेम ही घर में रह रहे थे अपीलेंट जो है उनके मीन्स अपीलेंट के फिजिकल रिलेशन थे विद द कंसेंट ऑफ हर पेरेंट्स एंड डॉटर। तो ये इस तरह की क्लेम करना कि उनके जो फिजिकल रिलेशन थे तो ये काफ़ी ज़्यादा मीन्स अविश्वसनीय है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मैरिड है और यहाँ पर कोई किसी प्रकार का जो क्वेश्चन है कि जी उन्होंने जो शादी का झांसा दे के उनके साथ मीन्स जो भी संबंध बनाए तो वो ऐसा कुछ भी बनता नहीं है कि किसी भी स्टेज पे। और काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज भी पाई गई हैं कंप्लेंट में और पुलिस को जो दी गई थी और FIR रजिस्टर्ड हुई थी इसी बेसिस पे, और जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है 164 CRPC में मींस जो कंप्लेनेंट ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है और कहा कि जो रिलेशनशिप जो बने थे वो भी एक कंसेंशनल थे, मींस जो सहमति के साथ बनाए गए थे। तो और जो मिस स्टेटमेंट जो दी गई है कंप्लेनेंट की वो इस फैक्ट से निकल के सामने आती है कि उनका जो डाइवोर्स जो हुआ है फॉर्मर्ली मैरिज का वो 10/12/2018 को उन्होंने कहा कि उनका डाइवोर्स हुआ है, तो फिर इसलिए उन्होंने अपीलेंट के साथ टेंपल में शादी कर ली थी January 2019 में। तो ये क्योंकि डाइवोर्स की जो डिग्री है वो सिर्फ 2021 में आई गई, मीन्स पास हुई थी 13 January 2021 में। तो इस तरह की ये सिखा कि ये असमानता है यहाँ से ही निकल के आ रही है कि उन्होंने ये क्लेम किया था कि जो पहले जो हस्बैंड है उनके साथ 2018 में डाइवोर्स हो गया था, इसलिए उन्होंने अक्यूज के साथ January 2019 में शादी कर ली थी। तो यहाँ और चूंकि डाइवोर्स की डिग्री है वो 2021 में आई है, तो इस स्टेटमेंट से भी इनकी असमानताएँ निकल के आ रही है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है कि मैरिज का जो मीन्स बनता नहीं है और जो प्रोसीडिंग्स दी गई हैं वो एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ है, जो अपीलेंट के अगेंस्ट चलाई गई हैं वो एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसको क्वैश कर देना चाहिए। और इसलिए उन्होंने डिसीजंस पे भी कुछ रिलाई किया और एक डिसीजन आया था पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का जिसमें नायम अहमद वर्सेस
स्टेट का एक स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली का एक जजमेंट आई थी, और एक प्रशांत भारती वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली की, ये दो जजमेंट्स थी, उस पर रिलाई किया था। और ये जजमेंट्स कब आई थी ये बताई गई है, 2023 में आई थी और एक 2013 में जजमेंट आई थी। तो इन दोनों जजमेंट्स पे माननीय मीन्स जो उनके जो काउंसिल है उन पर रिलाई किया, लेकिन जो स्टेट है उन्होंने अपनी सबमिशन ये दी कि जो पूरी तरह से एक जांच पड़ताल हुई है, चार्जशीट भी ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, और जो कोर्ट्स हैं उनको स्लो होना चाहिए किसी पे, जो भी एफआईआर इस स्टेज पे, चूंकि चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो एफआईआर को क्वैश करने में मींस ज्यादा तत्पर नहीं रहना चाहिए। और एलिगेशन जो थी वो रेप की थी ऑन फॉल्स प्रॉमिस टू द मैरिज, तो यहाँ से क्लियरली बन के आ रहा है कि मींस, और फिर इसमें जो क्वेश्चन करना, जो क्वेश्चन जो है सिर्फ अगर क्वेश्चन अगर करनी हो तो सिर्फ एफआईआर के कंटेंट्स को ही देखना चाहिए। तो यहाँ पर एफआईआर के कंटेंट साफ बता रहे हैं कि केस जो है अपील एंड अगेंस्ट में बन रहा है। और अब यहाँ पर फिर काउंसिल जो थे अपील कंप्लेंट के, उन्होंने सबमिशन दी कि जो डिस्प्यूट था फिर अर्लियर मैरिज का, मीन्स जो पहले हस्बैंड के साथ जो शादी हुई थी, वो कंप्लेंट जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रही थी, तो और उनकी खुद की एक 15 साल की डॉटर है। अपीलेंट जो है वो एक टेनेंट के तौर पे रह रहा था, मींस उनके किराए के, मींस किराएदार के तौर पे रह रहा था, और चूंकि कंप्लेनेंट ने मींस जो कंप्लेनेंट ने ये बताई कि एक डिस्टर्ब मैरिज मैट्रिमोनियल लाइफ थी कंप्लेनेंट की, तो इसलिए उन्होंने अपीलेंट ने कुछ एडवांसेस दिए और इसलिए कंप्लेनेंट जो है वो ट्रैप में आ गई। और जो फॉल्स प्रेमिस ऑफ मैरिज जो है वो क्या कहते हैं, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द मैरिज दिया, तो इसके बाद इनके फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो बने। तो इसके बाद उन्होंने शादी थी वो टेंपल में कर ली थी जनवरी 2019 में, और चूंकि जो फैमिली थे वो जो लेडी की जो फैमिली के लोग जो है वो जानते थे कि रिलेशंस क्या हैं उनके और मैरिज के, तो ये गुड फेथ पे उन्होंने जो है जो जो प्रॉमिस थी जो ये सब गुड फेथ में सब हुआ था, कि जो प्रॉमिस था वो अपीलेंट ने किया था। और अपीलेंट ने कहा कि कंप्लेनेंट को एक नॉमिनी भी बनाया था एक इंश्योरेंस पॉलिसी में जो कि परचेस की गई थी। तो ये सब जो सारे फैक्ट्स और रिकॉर्ड में देखते हुए एक रेप का जो केस है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द मैरिज का, वो अपीलेंट के अगेंस्ट में बनता है। ये कंप्लेनेंट के जो काउंसिल है उन्होंने भी अपनी ये सबमिशंस दी थी। तो पहले अपीलेंट के जो काउंसिल ने सबमिशंस दी, फिर बाद में स्टेट के काउंसिल ने सबमिशंस दी, फिर उसके बाद कंप्लेनेंट के काउंसिल ने भी सबमिशंस दी। तो कोर्ट ने फिर कंप्लेनेंट के काउंसिल ने यह भी कहा कि एफआईआर को इस स्टेज पे क्वैश नहीं करना चाहिए। अब तीनों पक्षों का सुना, अब उसके बाद माननीय कोर्ट ने पहले देखा कि कंप्लेनेंट ने एफआईआर में क्या बोला है, और जो स्टेटमेंट 164 सीआरपीसी में जो कि मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है अंडर ओथ पे, तो उस स्टेटमेंट में क्या बोला है। तो यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं, असमानताएं जो हैं वो पाई गई हैं। और एफआईआर में उन्होंने ये बताया कि वो एफआईआर में ये बताया कि वो एक कपड़े की जो दुकान है वो चला रही हैं, और उनका एक हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट था, इसकी वजह से वो सेपरेटली अलग से रह रही हैं, और 10 दिसंबर 2018 को उनके हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो गया था। फिर उसकी उनकी एक 15 साल की डॉटर है, और 2017 में सुवेंसो कंपनी थी, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर जो हाउस मीन्स जो उनके जो घर का घर था उसके जो फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पे उन्होंने एक कंपनी ने लिया था, जिसमें अपीलेंट भी उस कंपनी में काम करते थे, और स्पेयर टाइम में वो दुकान पे आकर बैठ जाते थे। तो इसकी वजह से ग्रेजुअली के साथ में होता है ग्रेजुअली जो है वो रिलेशनशिप्स थे वो डेवलप हो गए। तो इसकी वजह से चूंकि वो हस्बैंड से सेपरेट रह रही थी, तो अपीलेंट ने प्रपोज किया कि वो अपने डिवोर्स लें और उसके बाद जो है वो मैरिज करेंगे वो मींस जो अपीलेंट है। तो इसके बाद कंप्लेनेंट ने डिवोर्स ले लिया 10 जनवरी 2019 को 11 बजे, और अपीलेंट ने उनके रूम में आए और फिजिकल रिलेशनशिप वो बना दिए। उसके बाद भी वो स्टॉप नहीं हुए, और उसके बाद शी सेड सी दे वर येट टू बी मैरिड, अभी भी उनकी अभी शादी होनी थी। और इसका जो फॉल्स प्रॉमिस हुआ मैरिज के जो फॉल्स प्रॉमिस दिए गए थे अपीलेंट ने, उसके बाद फिर से रिलेशनशिप थे वो बने 6 जनवरी 2020 को। और फिर जब उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप शादी कर लेनी चाहिए, तो अपीलेंट ने कहा कि उनकी जो फैमिली है वो एग्री नहीं कर रही है, और फिर उन्होंने एक रिफ्यूजल दे दिया, अपीलेंट ने एक रिफ्यूजल दे दिया 11 दिसंबर 2020 को। और इसके बाद एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड करा ली 11 दिसंबर 2020 को, एफआईआर थी वो रिकॉर्ड करवा ली, और स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई थी 164 सीआरपीसी में, ये तो एफआईआर के कंटेंट्स थे, ऑफिस जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की 164 सीआरपीसी में, तो
उसने यहाँ पर अपीलेंट ने एडमिट किया, मींस कंप्लेंट ने एडमिट किया कि वो अपीलेंट को 2017 से जानती हैं, और चूंकि हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट हो रहा था तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी, और ये भी उनकी जानकारी थी कि अपीलेंट जो है अपीलेंट को जाने लगी, और फिर उनके साथ फिर 2018 में अपीलेंट जो है वो महाराष्ट्र में गए नौकरी के लिए, और जब उनके घर आए तो फिर उन्हें जब भी वो घर आते थे तो उनके घर रुकते थे तो और कंप्लेंट और उसकी जो डॉटर का ख्याल करते थे, और 2019 में अपीलेंट ने अश्योर किया कि वो उनके साथ मैरिज करेंगे, और अगर वो डिवोर्स ले लेती हैं अपने हस्बैंड से, जो कि हस्बैंड के ऊपर था कि हस्बैंड उनको हरास करते हैं और मारते हैं, बीट करते हैं, और इसी वजह से हस्बैंड से जो उन्होंने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया, और उसके बाद जो टेम्पल में जनवरी 2019 में जो है वो शादी कर ली, और फिर उसके बाद वो साथ रहने लगे डॉटर के साथ, और फिर अश्योरेंस जब दी थी कि अपीलेंट ने कोर्ट मैरिज को सॉल्मलाइज नहीं किया, और जो मैरिज जो थी वो टेम्पल में सॉल्मलाइज हुई थी, इसलिए अपीलेंट जो है और हस्बैंड है वो बहुत जो है एक मैरिड लाइफ की तरह रहने लगे, और फिजिकल रिलेशंस थे जनवरी 2019 से लेकर जून 2020 तक मीन्स उसमें रहे, और फिर उसके बाद अपीलेंट ने कंप्लेनेंट को वाइफ की तरह रखा। वो अपीलेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करते थे, अपीलेंट जो है उसके बाद अपीलेंट ने रिफ्यूज कर दिया कॉल्स, जो भी कॉल्स थी वो करती थी तो अपीलेंट ने रिफ्यूज कर दिया, और उन्हें मैं शादी करने से भी मना कर दिया। अब यहाँ पर बताया कि जो चेंज था मीन्स कंप्लेनेंट ने काफी मीन्स कंप्लीटली चेंज कर दिया था जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी 164 सीआरपीसी में। फैक्ट्स रिमेन्स ये थे कि रिलेशनशिप्स मीन्स जो रिलेशन जो थे वो 2017 से ऑनवर्ड से बने थे, और ये बताया कि जो प्रॉमिस टू मैरिज था वो जनवरी 2019 में आया, और फिर उसके बाद उसके बताया कि उन्होंने फिजिकल रिलेशंस बनाए। ये भी रिकॉर्ड में आया कि इट इज नॉट ओनली द सिर्फ ये कंसेंट थी वो कंप्लेनेंट की नहीं थी, और क्लियरली एविडेंट ये भी बन के आया कि सिर्फ कंप्लेनेंट की कंसेंट नहीं थी बल्कि उनके पेरेंट्स की भी कंसेंट थी, और डॉटर की भी थी, वो भी उनके साथ घर में रहे। और उसके बाद अपीलेंट और कंप्लेनेंट ने फिजिकल रिलेशंस थे वो बनाए। अब एफआईआर में बताया है कि डिवोर्स जो हुआ था वो 10 दिसंबर 2018 को हुआ था अर्लियर हस्बैंड से, लेकिन जो 164 सीआरपीसी में स्टेटमेंट थी उन्होंने बताया कि जनवरी 2019 में मैरिज थी वो टेंपल में सॉल्मलाइज्ड कर ली थी, और डेट ऑफ डिवोर्स जो कंप्लेंट ने था यहाँ पर झूठा पाया गया, क्योंकि डिग्री जो अनेक्स्ट की गई थी अनेक्स P9 में वो म्यूचुअल कंसर्न डिवोर्स था, और म्यूचुअल कंसर्न की जो जजमेंट थी वो 13 जनवरी 2021 में आई थी। इस फैक्ट को भी डिस्प्यूट नहीं किया गया है। अब ये यहां पर कोर्ट ने कहा कि जो फैक्ट्स थे एफआईआर में और स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई 164 सीआरपीसी में, डिवोर्स था अर्लियर मैरिज का, और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें रीमैरिड की अपीलेंट के, तो अब ये कंटेंट्स एफआईआर में और जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी कंप्लेनेंट ने, तो यहाँ पर कहा कि कोई प्रॉमिस नहीं किया गया था मैरिज का, जब रिलेशनशिप जो थे वो बनाए गए थे मींस स्टार्टेड इन ईयर 2017 में। तो अब यहाँ पर बताया कि कंप्लेनेंट ने अलेज किया कि जो पार्टीज के फिजिकल रिलेशंस थे वो जब रिलेशंस थे तो वो ऑलरेडी वो मैरिड थी, तो जब ऑलरेडी मैरिड थी तो फिर यहाँ पर उन्होंने फॉल्सली क्लेम किया कि डिवोर्स जो है अर्लियर मैरिज का 2018 में हुआ था, जबकि डिवोर्स था वो 13 जनवरी 2021 में दिया गया था। अब यहां पर कहा है कि कंप्लेनेंट जो है इट वॉज नॉट द केस कि जो कंप्लेनेंट जो है वो इमेच्योर एज की थी, तो ये वो अपना वेलफेयर और राइट डिसीजन नहीं ले सकती थी क्या, तो यहां पर ये बताया कि ये ग्रोन अप लेडी थी और 10 साल और फिर साथ में बताया कि मैच्योर्ड और इंटेलिजेंट इनफ हैं कि वो कॉन्सिक्वेंसेस जो मॉरल और इमोरल एक्ट्स के वो जानती हैं, और यहाँ पर कहा कि ये बल्कि उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ धोखा किया, बिट्रे हर हस्बैंड, और ये भी एडमिटेड केस है प्रोसिक्यूटर्स का कि अपीलेंट जो है वो महाराष्ट्र में चले गए थे अपनी नौकरी के लिए, ही यूज टू कम एंड स्टे विद द फैमिली,
और दे वर लिविंग एर हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये भी स्टैंड लिया गया अपीलर ने कि उन्होंने एक एडवांस लोन भी लिया था 1,00,000 रुपए का थ्रू बैंकिंग चैनल, जो कि रिटर्न नहीं लिया गया था, रिटर्न नहीं किया गया था। अब यहाँ पर एक और जजमेंट आई थी नायम अहमद केस की, सुब्रा की, और सेम आइडेंटिकल फैक्ट्स थे उसमें भी। वहां पर भी जो उस केस में क्या था कि जो प्रोसिक्यूटरिक्स थी वो एक मैरिड वुमन थी, उनके 3 बच्चे थे, और कंप्लेंट ने अलेज किया था कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की वजह से 5 साल के बाद उनके बाद रिलेशंस बने थे उस केस में, और फिर वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, और उसके बाद कोर्ट ने पाया था कि कोई भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से ये नहीं पता कि उनका जो रिलेशनशिप था वो अंडर मिसकंसेप्शन था। तो उसके जो कंटेंट्स थे उस जजमेंट के, रेलिवेंट पैरा नंबर किसके थे, वो यहाँ पर कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किए उस जजमेंट के। और सारे कंटेंट्स देखने के बाद, उस जजमेंट के कंटेंट्स के बाद, यहाँ पर ये वो सेम जो रेशियो प्रिंसिपल्स थे जजमेंट के, यहाँ पर भी अप्लाई किए उन्होंने कोर्ट ने, और कहा कि जो इम्प्यून जजमेंट थी हाई कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया था उसको सेट असाइड किया जाता है। FIA जो रजिस्टर्ड हुई है 376 सब पार्ट 2 सब पार्ट N एंड 506 पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश में, उसको क्वैश किया जाता है। तो इसलिए पिटीशन को अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया। ये जजमेंट आई थी 6 मार्च 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।